नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपाली। बात करते हैं सांसों पर इमरजेंसी की। दिल्ली एनसीआर की हवा लगातार बद से बदतर होती जा रही है। दिल्ली के कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 450 तक पहुंच गया है। लोग जहरीली हवा में सांस लेने के लिए मजबूर हैं। आलम यह है कि डॉक्टर्स ने भी अब पॉल्यूशन से बचने के लिए सलाह देनी शुरू कर दी है। खासकर बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों को ज्यादा सावधानी बरतने की अपील की गई है। पिछले कई दिनों से दिल्ली का AQI लगातार खराब श्रेणी में पहुंच गया है, लेकिन अब हालात और ज्यादा बुरे हो गए हैं। चारों तरफ सिर्फ धुआं ही धुआं नजर आ रहा है। राजधानी के कई इलाकों में AQI 450 दर्ज किया गया है। तो हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। ऐसे में डॉक्टर्स ने सलाह दी है, चाहे वो बुजुर्ग हों, बच्चे हों या फिर जो बीमार लोग हैं, उनको खास तौर से हिदायत दी गई है कि वो खास अपना ख्याल रखें, क्योंकि जो AQI लेवल है वो 450 तक कई इलाकों में दर्ज किया गया है। तो हालात ऐसे हैं कि दिल्ली एनसीआर में अगर आप देखेंगे, हर तरफ सिर्फ धुआं ही धुआं नजर आएगा। तो दिल्ली एनसीआर में GRAP 3 भी लागू कर दिया गया है। दिल्ली में आज से 2 दिन तक स्कूल भी बंद रहने वाले हैं। BS3 पेट्रोल, BS4 डीजल वाहन बैन रहेंगे। कंस्ट्रक्शन पूरी तरीके से बैन कर दिया गया है। डिमोलिशन पूरी तरीके से बैन कर दिया गया है। इसी वजह से दिल्ली मेट्रो की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दिया गया है। लोगों से अपील ये की जा रही है कि ज्यादा व्हीकल यूज ना करें, क्योंकि पॉल्यूशन लगातार बढ़ रहा है। दिल्ली मेट्रो का इस्तेमाल करें, इसी वजह से फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी गई है। जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है उसे बैन कर दिया गया है। बच्चों का ध्यान रखते हुए स्कूलों को भी बंद कर दिया गया है। 2 दिन तक स्कूल बंद रहने वाले हैं, क्योंकि लगातार जो पॉल्यूशन है वो इस तरह बढ़ गया है कि दिल्ली एनसीआर में बाहर सिर्फ धुआं ही धुआं नजर आ रहा है और कई इलाकों में AQI 450 तक पहुंच गया है। मौसम बदलते ही दिल्ली की हालत और हवा दोनों ही खराब होने लगे हैं। प्रदूषण ने दिल्ली सरकार को पहले GRAP 2 फिर GRAP 3 लागू करने पर मजबूर कर दिया है। GRAP 3 के तहत गैर जरूरी निर्माण और तोड़फोड़ के काम पर रोक शामिल है। दिल्ली NCR में BS3 वाले पेट्रोल वाहन और BS4 वाले डीजल गाड़ियों के इस्तेमाल पर रोक है। राजधानी में डीजल से चलने वाले व्यावसायिक ट्रकों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश जारी किए गए हैं। दिल्ली के 300 किलोमीटर के अंदर प्रदूषण फैलाने वाले इंडस्ट्रियल यूनिट और थर्मल पावर प्लांट पर नजर रखी जाएगी और कार्रवाई भी हो सकती है। बिना PUC वाली गाड़ियों के खिलाफ अभियान तेज करने के आदेश हैं। रोड कटिंग मरम्मत या गैर जरूरी सड़क निर्माण पर भी बैन है। होटल और रेस्टोरेंट के तंदूर में कोयले और लकड़ी के इस्तेमाल पर भी पूरी तरह से रोक लग गई है। दिल्ली में डीजल जनरेटर सेट्स के व्यावसायिक और घरेलू इस्तेमाल पर रोक है। इस बीच GRAP 3 लागू होने के बाद मेट्रो रोजाना 60 अतिरिक्त फेरे लगाएगी। साथ ही सभी प्राइवेट और सरकारी प्राइमरी स्कूल अगले 2 दिन के लिए बंद रहेंगे। तो दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है, चौकड़ी रफ्तार से बढ़ रहा है। कल तक जो AQI 3 से 3.5 था वो अब 400 पार कर चुका है। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है, इसे रोकने के लिए तो रास्ते तलाशे जा रहे हैं। लेकिन माना जा रहा है कि नोएडा और गाजियाबाद की फैक्ट्रियां इस प्रदूषण के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार हैं। यूपी प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड ने जून में जब आंकड़े जारी किए थे, तब उसके मुताबिक गाजियाबाद की 426 औद्योगिक इकाइयां रेड जोन में थी। इसी जोन में नोएडा की 84 और ग्रेटर नोएडा की 110 इकाइयां थी। रेड जोन का मतलब वो फैक्ट्रियां जिनसे सबसे ज्यादा नाइट्रोजन और सल्फर डाइऑक्साइड पर्यावरण में छोड़ी जा रही है। इन फैक्ट्रियों की वजह से दिल्ली NCR का हाल कुछ ऐसा हो गया है, और यही हाल दिल्ली से सटे कई और जिलों का भी है। हरियाणा के कई जिलों में अब भी पराली जलाने का दौर जारी है। कानून बन तो गया है, पर पराली की आग के आगे वो भी धुआं होता जाता है। तो दिल्ली NCR में हालात बेहद खराब होते जा रहे हैं। क्या ताजा हालात हैं, ग्राउंड जीरो से बता रहे हैं हमारे संवाददाता अनुष्का। दिल्ली NCR में रहने वाले सभी लोगों के लिए इस वक्त की सबसे बड़ी समस्या बढ़ता प्रदूषण बन चुका है, जहां बीते शाम से ही प्रदूषण के स्तर में इजाफा देखने को मिल रहा है। कल शाम CPCB के समीर ऐप के मुताबिक प्रदूषण का स्तर 402 था, तो वही इस वक्त प्रदूषण का जो स्तर है वो 460 के आसपास दर्ज किया जा चुका है।
दिल्ली के सभी स्टेशन में प्रदूषण का जो स्तर है वो 400 से ज्यादा दर्ज किया जा रहा है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं CAQM की तरफ से कल ही ग्रैब के तीसरे चरण को लागू किया गया था, जिसके तहत BS3 की पेट्रोल गाड़ियां और BS4 की डीजल गाड़ियों को बैन किया गया। साथ ही साथ मेट्रो के 20 अतिरिक्त फेरे जो है वो तय किए हैं। उसके साथ ही साथ प्राइमरी स्कूल भी है वो बंद किए गए हैं, उनके लिए ऑनलाइन क्लासेस जो है वो अरेंज किए गए हैं। इसके अलावा निजी निर्माण के जो काम है उस पर रोक लगाया गया है। दिवाली का समय है, लोग अपने घर में पेंटिंग या ड्रिलिंग का काम करने की सोच रहे होंगे, लेकिन अब ग्रैब का तीसरा चरण लागू हो चुका है जिसके तहत इन सभी काम के ऊपर रोक लगाया गया है। साथ ही साथ कोई भी व्यक्ति अगर इन सभी नियमों को तोड़ता नजर आता है तो उसको 20,000 रुपए का फाइन जो है वो देना पड़ेगा। इस वक्त हमारी मौजूदगी दिल्ली के अक्षरधाम फ्लाईओवर पर है, जहाँ की एक बार मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूंगी। आप देख सकते हैं किस तरीके से धुंध जो है वो इतना ज्यादा छाया हुआ है कि पूरा शहर गैस चैम्बर में तब्दील हुआ नजर आ रहा है। आने जाने वाली जितनी भी गाड़ियां हैं वो इस वक्त भी देख सकते हैं अपने हेडलाइट्स और टेल लाइट्स ऑन करके ही जाती हुई नजर आ रही हैं। विजिबिलिटी इतनी ज्यादा लो हो चुकी है कि आने जाने वाले जितने भी जो यात्री हैं उनके लिए भी समस्या काफी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। लोगों से यही सुझाव है कि घर से बाहर निकलते वक्त मास्क का इस्तेमाल जरूर करें, कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा पब्लिक व्हीकल का इस्तेमाल करने का, और साथ ही साथ हाथ को लगातार सैनिटाइज रखें। घर में अगर बच्चे या बूढ़े हैं तो उनको घर से बाहर निकलने से परहेज करें। अनुष्का गर्ग, जी मीडिया, दिल्ली। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो लेवल है AQI का वो कहां तक पहुंच गया है। कल तक जो 300 या 350 था वो आज रिकॉर्ड जो किया गया है वो 460 तक पहुंच गया है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हालात किस कदर खराब हो चुके हैं प्रदूषण को लेकर। बाहर पूरी तरीके से धुआं ही धुआं नजर आ रहा है, ना सिर्फ दिल्ली बल्कि दिल्ली NCR में ये हालात ऐसे ही हैं। ऐसे भी साफ तौर से हिदायत दी गई है और सरकार ने भले ही कोशिश की है लेकिन अभी भी पराली जल रही है, इसकी समस्या देखी जा रही है। तमाम कानून बनाए गए हैं लेकिन उसके बावजूद उस पर लगाम नहीं लग पा रही है। क्या लागू किया गया है ये जरा आपको एक बार फिर से समझा देते हैं। GRAB 3 में क्या लागू होगा ये आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा रहे हैं। व्यवसायिक ट्रकों की एंट्री पर रोक लगाने के निर्देश दे दिए गए हैं। 300 किलोमीटर के अंदर वाले इंडस्ट्रियल यूनिट पर भी रोक लगाई गई है। और चलिए हमारे तमाम सहयोगी जुड़ चुके हैं इस खबर पर और तमाम अपडेट्स के साथ। अनुष्का हमारे साथ जुड़ चुकी है दिल्ली से, हमारे सहयोगी आकांक्षा भी जुड़ चुके हैं और इसके अलावा सेंट्रल दिल्ली से भी संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं वरुण। सबसे पहले आकांक्षा का रुख करते हैं। आकांक्षा, तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा रहे हैं कि हालात किस कदर खराब होते जा रहे हैं दिल्ली NCR के। बिल्कुल दीपाली, आप सही कह रही हैं और इसीलिए अब GRAB 3 लागू कर दिया गया है। विजिबिलिटी बहुत ज्यादा कम हो गई है। जो वाहन सुबह अपने अपने घरों से लोग लेकर निकल रहे हैं उनकी स्पीड पर ब्रेक लग गया है। पहले मैं आपको तस्वीरें यहां से दिखा देती हूं। नोएडा में जिस जगह पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ यहाँ पर भी तस्वीरों में आप देखेंगे कि विजिबिलिटी काफी कम हो गई है और यहाँ का जो AQI इस वक्त दर्ज किया जा रहा है वो 400 के पार पहुंच चुका है, जो बेहद ही खराब श्रेणी में आता है। और इसीलिए कंस्ट्रक्शन हो, डिमोलिशन हो, इसीलिए अब एक बड़ा फैसला लिया गया है और इन पर रोक लगा दी गई है फिलहाल कुछ वक्त के लिए। देखिए ये जो वक्त है ये इसलिए बहुत ज्यादा दिक्कत क्रिएट करने वाला है क्योंकि बुजुर्गों की बात की जाए, बच्चों की बात की जाए तो उनकी हेल्थ पर इस बढ़ते पॉल्यूशन की वजह से काफी इम्पैक्ट पड़ने वाला है। क्योंकि अभी भी ये दिक्कतें लोगों को फेस करनी पड़ रही हैं कि उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही है, सर दर्द जैसी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और अभी भी जो तस्वीरें दर्शक देख रहे हैं इन तस्वीरों को देखकर ही आप अंदाजा लगा सकते हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कोहरा पड़ रहा हो, इतनी ज्यादा धुंध सी नजर आ रही है। अब इसी तस्वीर को देखकर आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर जो पॉल्यूशन है वो कितना ज्यादा बढ़ चुका होगा। बिल्कुल नजर आ रहा है। बनी रही आकांक्षा हमारे साथ, अनुष्का का रुख करते हैं। अनुष्का, आप देख रहे हैं हम नोएडा में भी वही हालात है और आप तो लगातार उसको देख रहे हैं, पूरी पूरे दिल्ली NCR पर कवर कर रहे हैं। देख कल जो आंकड़ा 350 था वो आज 450 के पार कर गया है। बिल्कुल, जहां पर हमने देखा कल ही जो है प्रदूषण में काफी ज्यादा इजाफा होता नजर आया, कल जहां पर प्रदूषण 360 के आसपास दर्ज किया गया था, वहीं आज का जो प्रदूषण का जो स्तर है वो 460 के आसपास दर्ज किया गया है। ये बेहद गंभीर स्तर का प्रदूषण है और इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि CPCB ने ग्रैब के तीसरे चरण को लागू कर दिया है। इस वक्त हमारी मौजूदगी कर्तव्य पथ पर है, जहां की एक बार मैं आपको तस्वीर दिखाती हूँ।
आप देख सकते हैं यहाँ पर धुंध इतना ज्यादा छाया हुआ है कि ना हमें राष्ट्रपति भवन दिख रहा है, ना तो हमें इंडिया गेट जो है वो भी साफ से नहीं दिख रहा है। धुंध जो है इतनी ज्यादा हो चुकी है, विजिबिलिटी इतनी ज्यादा कम हो गई है उसकी वजह से कि आने जाने वाली जितनी भी गाड़ियां हैं सुबह के 8 बज रहे हैं और अभी भी हेडलाइट और टेल लाइट का इस्तेमाल करती हुई नजर आ रही है। लोगों के ऊपर इसका खासा असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। जितने भी लोग मॉर्निंग वॉक करने आए हुए हैं सभी जो है कहीं ना कहीं आंखों में जलन और सांस लेने में दिक्कत जैसी जो समस्या है उसके बारे में बता रहे हैं। लगातार जो है प्रदूषण का जो स्तर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है उसको लेकर के कई सारे रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो लगाई गई हैं। BS3 की पेट्रोल गाड़ियां, BS4 की डीजल गाड़ियां उनको बंद किया गया है। निजी निर्माण और जो डिस्ट्रक्शन का काम है उस पर रोक लगाया गया है। और क्योंकि दिवाली जो है वो आने वाला है और लोग अपने घर में पेंटिंग या ड्रिलिंग की जो काम करने के लिए जो लोग सोच रहे होंगे उस पर भी कहीं ना कहीं अब रोक लग गया है। और साथ ही साथ करवा चौथ के दिन जो हमने आतिशबाजी देखी थी, इंडिया पाकिस्तान जो इंडिया के मैचेस होते हैं उसमें हमने आतिशबाजी देखी थी, तो उसको लेकर के भी कहीं ना कहीं इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रदूषण का जो स्तर है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लोगों को अवेयर होने की खासा जरूरत है क्योंकि जब तक लोग अवेयर नहीं होंगे और बिल्कुल अवेयरनेस बेहद जरूरी है। बनी रही अनुष्का, तरुण का रुख करते हैं। तरुण, जो नियम बनाए गए हैं चाहे ट्रकों की एंट्री बैन कर दी गई है, तो क्या लग रहा है कि इन नियमों का पालन किया जा रहा है? देखिए, इन्फोर्समेंट जरूर की जा रही है, स्ट्रिक्टनेस की जा रही है। BS3 पेट्रोल की और BS4 डीजल की अगर निजी वाहन सड़कों पर उतरते हैं तो ₹20,000 का उन्हें चालान भुगतना पड़ सकता है। अगर किसी के पास PUC नहीं है, यानी कि पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेशन अगर किसी वाहन का नहीं है, तो वाहन जब्त किया जा सकता है। दिल्ली के अंदर इस समय सांसों पर आपातकाल सा महसूस हो रहा है और मेरे पीछे भी आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं, ऐसा लग रहा है कि आसपास कहीं आग सी लगी हुई है, लेकिन ये आग नहीं लगी हुई है बल्कि दिल्ली के अंदर इस समय ऐसी स्थिति बनी हुई है कि दम घोटू जहरीली आबो हवा के अंदर सांस लेने के लिए लोगों को मजबूर होना पड़ रहा है। विजिबिलिटी ऑलमोस्ट करीबन 10 मीटर के आसपास रिड्यूस हो चुकी है और सीवियर प्लस की कैटेगरी यानी कि 450 से ऊपर की कैटेगरी इस समय दिल्ली के ज़्यादातर मॉनिटरिंग स्टेशन जो CPCB के अधीन आते हैं उस पर बनी हुई है। यानी कि CAQM यानी कि कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने 400 से ऊपर AQI जाने के ऊपर GRAP 3 के नियम लागू किए थे, लेकिन स्थिति यहां पर ऐसी आ गई है कि GRAP 4 जो कि एक्सट्रीम वेदर कंडीशन है उसके नियम दिल्ली और NCR के अंदर लागू कर दिए जाएं। GRAP 4 अगर दिल्ली के अंदर लागू हो गया तो जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, अभी तक तो प्राइमरी स्कूल को बंद किया गया है, ब्लैंकेट बैन कर दिया जाएगा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के ऊपर, सरकारी दफ्तरों को 50% क्षमता के ऊपर काम करने की हिदायत दी जाएगी, निजी वाहनों को डिस्करेज करने के लिए CNG अगर और ग्रीन फ्यूल के ऊपर वाहन नहीं चल रहे हैं तो बाकी जगहों पर जो वाहन चल रहे हैं उनके ऊपर भी सख्ती की जा सकती है। तो आने वाले वक्त के अंदर हमें देखने के लिए मिल सकता है कि सरकारी प्रयासों का साथ नहीं दिया गया तो कठोर नियमों का पालन दिल्ली वालों और NCR के निवासियों को करना पड़ सकता है। स्थिति और ज्यादा बिगड़ती हुई दिखाई दे रही है। बिल्कुल, स्थिति बिगड़ती हुई नजर आ रही है। आकांक्षा का रुख करते हैं। आकांक्षा, देख रहे हैं दिल्ली में काफी कह सकते हैं काफी स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जा रहे हैं, GRAP 4 तक की भी नियम लागू किए जा सकते हैं और यही हम उत्तर प्रदेश में भी देख रहे हैं। कल भी कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं और हालात लग रहा है और खराब होंगे तो शायद यहां पर भी सख्ती बरती जाए। बिल्कुल दीपाली, आप सही कह रही हैं और सबसे पहले मैं आपको अभी दिखाती भी हूं। देखिए अभी 448 इस वक्त यहां पर AQI दर्ज किया जा रहा है, यानी आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना ज्यादा डेंजरस हो सकता है लोगों के लिए। 448 AQI, तस्वीरें भी मैं यहां से आपको जरूर दिखाना चाहूंगी क्योंकि आप वाहनों की आप रफ्तार देखेंगे बहुत धीमी हो गई है और लोगों को यही सजेस्ट किया जा रहा है कि वो ज्यादा से ज्यादा कोशिश यही करें कि अगर घरों से निकल रहे हैं तो मास्क पहनकर निकलें और अपने जो घरों की विंडो हैं, जिनके घर पर बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, वो उसको भी क्लोज करके रखें। साथ ही अगर आउटडोर एक्सरसाइजेस करते हैं तो लोगों के यही लोगों को सजेस्ट किया जा रहा है कि वो अभी थोड़ा सा अवॉइड करें। सुबह जो लोग वॉकिंग के लिए जा रहे हैं, जॉगिंग करने के लिए जा रहे हैं, वो उसको थोड़ा अभी अवॉइड करें क्योंकि सिचुएशन अभी बिल्कुल भी ठीक नजर नहीं आ रही है। और अभी चूंकि जैसे आपने जिक्र किया कि कल कई जगहों पर 300 के पार AQI था, आज ये अंदाजा आप लगा सकते हैं कि किस कदर AQI में बढ़ोतरी हुई है। तो ऐसे में अभी जल्द तो राहत की उम्मीद नजर नहीं आ रही है, लेकिन जरूरत है कि लोग भी अवेयर रहें, घरों से निकल रहे हैं तो मास्क पहने। दिल्ली NCR का आपने जिक्र किया, अभी अनुष्का ने भी जिक्र किया,
दिवाली हालांकि अभी हम कह सकते हैं कि 8 से 9 दिन अभी बचे हुए हैं, लेकिन उससे पहले ये सिचुएशन सामने आना, इतना ज्यादा पॉल्यूशन होना, ये एक बहुत बड़ी दिक्कत हम कह सकते हैं दीपाली। और अभी चूंकि जो हालात बने हुए हैं उनको देखते हुए दिल्ली एनसीआर में अतिरिक्त कदम भी उठाए जा रहे हैं, कंस्ट्रक्शन पर रोक लगा दी गई है, डिमोलिशन पर, और दिल्ली मेट्रो की भी बात करें तो दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए कि ज्यादा से ज्यादा वो दिल्ली मेट्रो का यूज करें, इसीलिए 20 अतिरिक्त फेरों की शुरुआत दिल्ली मेट्रो करने जा रही है दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए, कि वाहन को वो थोड़ा सा इग्नोर करेंगे तो क्योंकि देखिए लोगों की भागीदारी भी उतनी ही ज्यादा जरूरी है, लोगों को बहुत अवेयर होने की जरूरत है। प्रशासन कोशिश कर रहा है, सरकार भी तमाम नियम लागू कर रही है, लेकिन अगर खुद अवेयर नहीं होंगे लोग तो ये उन्हें ही दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया अनुष्का, बहुत शुक्रिया तरुण और आकांक्षा हमारे साथ जुड़ने के लिए।